लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। बुरहानपुर जिले के बिरौदा ग्राम में दबंगों ने दलित वर्ग के दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। मंदिर में दबंगों ने ताला लगा दिया। दो घंटे तक दूल्हे और बारातियों ने मंदिर के बाहर इंतजार करते रहे। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चौकीदार ने ताला खोला और दूल्हे ने मंदिर में प्रवेश किया, साथ ही शादी का मुहूर्त भी टल गया। एसडीएम के आदेश पर लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम काशीराम बड़ोले ने थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया को निष्पक्ष जाँच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आजादी के 72 साल बाद भी बुरहानपुर जिले में लोगों की मानसिकता में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी छुआछूत जैसी पक्षपात करने की आदतें दबंगों की नहीं जा रही है। ऐसा ही एक मामला ग्राम बिरौदा में देखने को मिला, जहां एक दलित वर्ग के दूल्हे को दबंगों ने मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया और मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। करीब 2 घंटे तक दलित वर्ग के दूल्हा व उनके परिजन मंदिर के बाहर खड़े रहे। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को करने के बाद मंदिर का ताला खोला गया। घटना से पूरे ग्राम में विरोध लहर दबंगों के खिलाफ फैल गई है। लालबाग थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं एसडीएम काशीराम बड़ोले ने लालबाग थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आक्रोशित दूल्हे ने सरवणों पर दबंगाई कर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कलेक्टर साहब को कि वहाँ पे दबंगों के द्वारा दलित परिवारों को वहाँ घुसने नहीं दिया गया है। तो तत्काल कलेक्टर साहब ने भी टीआई को फ़ोन किया और निर्देशित किया कि इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करें। टीआई भी मौके पे पहुँच गए हैं और उसमें जो भी कार्रवाई वैधानिक होगी दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या दोषी पाए जाने पर कोई ऐसा नहीं कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी धार्मिक स्थल में अगर नहीं किसी को घुसने दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। मैं यहाँ पर लगभग जो है 11 बजे के आसपास आया। जब आकर के देखा तो यहाँ मंदिर में ताला लगा हुआ था और जो दूल्हा है उनके पापा जो है मेरे जीजाश्री है, तो उनसे पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा है। तो बोले, उन्होंने कहा कि बोले भाई यहाँ के मंदिर के जो ट्रस्टी है उन्होंने कहा कि बोले हम जमा जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश निषेध है। आज हिंदुस्तान जो है तरक्की की ओर जा रहा है और आज इस गांव में जो है जातिवाद को लेकर के इस प्रकार की भ्रांतियाँ है। इन्होंने पूर्व में जो है मंदिर का एक जो सामुदायिक भवन है उसके लिए भी आवेदन किया था, किंतु उस आवेदन पर आज तक जो है माननीय कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये समाज के लिए उचित है? मेरे ख्याल से यह अनुचित है। इस संबंध में शासन ने उच्च स्तर पर कुछ कार्रवाई करना चाहिए। आज सुबह जैसे मंदिर के लिए निकले तो मंदिर का गेट बंद था। पहले तो हमने यही मतलब जातिवाद करते हैं लोग, तो पहले हमने कलेक्टर मोदी जी को आवेदन दिया था, उनका रिप्लाई भी आया कि हाँ भाई आपको मिल सकता है उनका, तो अभी 144 धारा लग रही थी, उसके आगे हमने कुछ किया नहीं कि भाई गाँव का मामला जानने दो, वो दे देंगे या नहीं भी देंगे छोड़ो, हमने बाजू में टेंट वेंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर इन लोगों ने फिर भी जानबूझ के मंदिर बंद कर दिया। आज ये माली समाज के जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है जो, तो क्या मंदिर में शादी करने का पहले बुकिंग करना पड़ती है क्या? बुकिंग करना पड़ती है पर मना कर रहे थे, तो हमने कलेक्टर मोदी को बोला, शेरा भैया जी को भी बोला, तो उनके सामने भी जो अध्यक्ष थे पंडित मकड़ू जी उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था, बोले हम इनको नहीं देते। तो कलेक्टर महोदय ने भी उनको बोला कि आप क्यों नहीं देते, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास एक है, वो बोलते क्यों नहीं देते, तो बोले हम पहले से इनको नहीं देते यार इसलिए नहीं देंगे। तो कलेक्टर महोदय जी ने बोला इनको कि क्या आपको आपने खुद के पैसों से बनाया है, तो बोले हाँ मेरे खुद के पैसों से बना हुआ है। फिर और एक बार पूछा कि आपके खुद के पैसों से बना हुआ है, तो बोले खुद के पैसों से बना हुआ है। फिर बाद में बोलते कि दीदी जी ने बोले 4 लाख रुपये जो सामुदायिक भवन है, भवन जो बना हुआ है शादी के लिए उसमें दिए हुए, तो कलेक्टर मोदी जी ने बोला कि आपको देना पड़ेगा। फिर भी उन लोगों ने ऐसा जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं देंगे, लगे तो हम ये पैसा आपको गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। आज क्या ताला लगा दिया मंदिर को? आज मंदिर को ताला लगा गया था। कितने दिन आपको इंतजार करना पड़ा मंदिर के बाहर? कम से कम दो घंटे, दो ढाई घंटा का इंतजार करना पड़ा, गाड़ी खड़ी रही। अब हो गई आपकी शादी वाली? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये मंदिर बंद करके रखा था इसलिए आज बहुत लेट हो गया। अब शादी का मुहूर्त 12:45 का था। किसके हस्तक्षेप से मंदिर का ताला खुला?
ये जो अभी इन्होंने खोला अभी नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी, मतलब सब लोग जमा हो गए तो भीड़ भकड़ा हो गई तो उन्होंने विवाद को देखते हुए उन्होंने खोला। क्या लगता है आपके साथ जैसा हुआ वैसा? गलत है ये, गलत है, बहुत गलत है, जातिवाद है। अब कौन सी सदी में रह रहे हैं हम? जातिवाद क्यों होना चाहिए? हमारे पास पर्ची भी है, हमारी जाति के लोगों को अभी पहले एक साल पहले दिया गया, तो हमने क्या किया इनका? अभी सूचना मिली है और मैंने टीम भेज दी है, मैं भी जाके देखता हूँ और जो भी मामला पाया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी क्या स्थिति है वहाँ? सब कंट्रोल है, शादी हो रही है? हाँ, अभी मेरी बात हुई थी वहाँ तो शादी हो रही है और सामान्य स्थिति है, फिर भी मैं जाके देखता हूँ क्या है वास्तविकता क्या है, वो जाकर देखता हूँ और उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। पूरी सुरक्षा दी जाएगी परिवार को? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी ना। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।